तो हेलो भाई। और ये वीडियो होने वाली है जिनका लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा स्लो ऑन हो रहा है, बहुत ही मतलब टाइम लगा रहा है बूट होने में, खोलने में। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, हमें दबाना है विंडोज़ पर प्लस आर की, वी आर एन वाला ये ऐप खुल जाएगा। अब इसमें आपको ये टेम्प वाला परसेंटेज परसेंटेज को आपको टाइप करके दिखाता हूँ, शिफ्ट 5 या परसेंटेज लगा देना आपको सीधे, और फिर लिख देना TEMP, और फिर से आपको परसेंटेज लगा देना है। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। ये देखो ये फोल्डर अब खुल जाएगा। और ये इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, जैसे आप जब फ़ोन अपना चलाते हो तो जो कैशे मेमोरी बनती है ना, तो सेम ये चीज़ वही है, ये भी वही कैशे मेमोरी है। तो इसको आप रोज़ डिलीट करो, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठी हो जाती है। देखो ये मैंने 3-4 दिन से इकट्ठी नहीं किए। ये अगर आप कुछ चलाओ ना चलाओ, तब भी अगर आप लैपटॉप वगैरह या अपना पीसी अगर चलाओगे, लैपटॉप या पीसी, तभी ये बनी ही जाएगी। ये बननी ही बननी है, ये कंपलसरी है। देखो 450 MB। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मतलब जो आपका जो मतलब कंप्यूटर है वो स्लो होता जाएगा। तो मतलब जो फाइल्स रिलेट हो जाए सारी सेलेक्ट कर लो एक बार में, जो हो जाए उनको, वो तो हो जाएंगी, बाकी उसको फिर आपको क्या करना है, आपको आराम से अपना आना है, और जो ना हो और एरर दिखा दे उनको, और जिनका एरर दिखा दे उनको आपको स्किप कर देना फाइल को। और रिफ्रेश, देखो कुछ लोग समझते हैं कि रिफ्रेश से कंप्यूटर फास्ट हो जाता है जब ऑन करते हैं हम, तो मैं आपको आज ही बता दूं, अगर आपको ना पता हो, कि रिफ्रेश से मतलब फास्ट नहीं होता है। इससे ये होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई मेरा ऐप है जिसकी ये फोटो आ नहीं रही है, तो अगर मैं रिफ्रेश दबाऊंगा तो वो रीप्रिंट हो के आ जाएगी सही से ये। और आपको मतलब अगर वो रिसाइकल बिन में आ जाए वो फोटोज, मतलब वो जो फाइल्स हैं टेम्प फाइल्स, आपको एक बार चेक कर लेना, नहीं तो शिफ्ट डिलीट दबाओगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ रिसाइकल में आ जाए, तो रिसाइकल बिन में अगर आ जाए तो उनको भी डिलीट मार देना। और तो रिफ्रेश से भाई बिल्कुल हल्का सा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो और अगर जैसे आपके, एक और टिप, जैसे आपका कभी कभी आपके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको, जैसे मान लो कि मेरा 4 GB RAM है और 2.20 GHz है, तो इसको तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसको ज़रूर बढ़ा सकते हैं। पीसीज में तो स्टिक लग जाएगी, लेकिन अगर आप वो भी नहीं लगवाना चाहते तो आपको यहाँ आना है और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स दबाना है। अब आपको जाना है एडवांस में, अब परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस में जाने के बाद ओके कर देना इसे, और फिर आपको जाना है जस्ट बेस्ट अपीरियंस आप कर सकते हो। जस्ट बेस्ट अपीरियंस से क्या होगा कि आपका ये जो जैसे ही नॉर्मल Windows 7 की थीम है, तो इसको और मतलब अच्छे टेक्सचर्स मिल जाएंगे। अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस पे कर दोगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ, सही हो रहा है। हाँ अब ये हो गया। अब ये Windows XP टाइप या Windows 98 टाइप वाली मतलब थीम आ गई, तो इससे इसमें मतलब ज़्यादा मतलब प्रोसेसिंग की जो पावर है वो नहीं लगती, जिससे आपकी गेम्स या आपके सॉफ्टवेयर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी विंडोज़ की तरफ से, कि लो भाई तुम ज़्यादा वो लो, अब तुम ज़्यादा अपना वो ले लो, लेकिन आपके वो अच्छे चलने चाहिए सॉफ्टवेयर्स। तो और आप इस पे भी रख सकते हो, डिफॉल्ट तो यही होता है, मैं भी इसी पे रखता हूँ क्योंकि मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। और
आप यहाँ पे आ सकते हो और चेंज हाउ टू लोकेट, ये प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग, चूज हाउ टू एलोकेट प्रोसेसर रिसोर्सेज प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स भी रखना, और वर्चुअल मेमोरी ये मेन चीज है। तो इससे क्या होगा, इसको आप चेंज कर लेना ऑन अगर करने का ऑप्शन हो। अब मान लो कि जैसे मैंने अपनी किधर गया, ये मेरी GTA Vice City है और यहीं पे, और सी ड्राइव में मेरी GTA San Andreas है। तो अब अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी तो 4 GB रैम है, ये मान लो कि आप में से किसी को चलानी है GTA San Andreas अच्छे पे, अच्छे मतलब लैग कम करे, तो आप लोगों को क्या क्या करना है, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह, तो आपको क्या करना है, जिस ड्राइव में वो इंस्टॉल्ड है, मान लो कि मेरी GTA San Andreas जो है वो सी ड्राइव में है इंस्टॉल्ड, तो सी ड्राइव में जाऊंगा, कस्टम साइज ऑन कर देना है, और इनिशिएट इनिशियल साइज MB में आपको लिख देना 5000 MB, मतलब 5 GB, मतलब कम से कम आपको 5 GB आप मतलब कर देना, और मैक्सिमम आप जितना रखना चाहो, मैंने 10 GB का रखा है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये रखो, मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम यही है, और ये देखो मिनिमम अलाउड 16 MB, रिकमेंडेड 15, और करेंटली एलोकेटेड 7 GB। तो अब इसको आप अपने आप से, जैसे ये इसमें मेरी GTA YCT है, तो अब मैंने इस पे कर रखा है, लेकिन कभी भी ऑटोमेटिकली पे मत करना, नहीं फिर खराबी हो सकता है सारा सिस्टम। तो इससे क्या होगा, आपकी सी ड्राइव में स्पेस भर जाएगी जितनी आप, मान लो कि मैंने वहाँ पे 10 GB चूज़ की, तो जैसे अभी मेरी, मैंने यहाँ पे 10 GB चूज़ कर रखा है, तो 10 GB स्पेस मेरी ड्राइव से चली आएगी, और मेरी मतलब वो ड्राइव में से जो स्पेस होगी वो एज अ मेरी रैम काम करेगी, सी ड्राइव के प्रोग्राम्स या सी ड्राइव में जैसे मेरी जो गेम एम्स हैं और प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने में, और विंडोज़ को रन करने में भाई ये मतलब विंडोज़ रन नहीं करेगी, ठीक है, तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर्स गेम्स मतलब इसी पे काम करेगा, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और बाकी एक चीज़ और है, जो आप मेरी हाउ टू स्पीड ब्लू स्टैक्स वाली वीडियो में देख सकते हो, उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे आप अपने लैपटॉप की हल्की सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे जैसे आपके जो एमुलेटर्स और कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा चलेंगे, जैसे कि मैंने भी वो ऑन कर रखे हैं। और तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई अगर आपको डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और तब तक के लिए बाय बाय।